नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। मामला अनूप शहर थाने का है, जहां पत्रकार कामिनी शर्मा काफी समय से पत्रकारिता कर रही हैं। कामिनी शर्मा को न्यूज खबर करने के लिए नगर नगर में गांव-गांव दूर दराज इलाकों में भी जाना पड़ता है। कामिनी निष्पक्ष रूप से बिना किसी पक्षपात के निर्भीक होकर ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रही है, जिससे चिढ़कर कुछ भ्रष्ट एवं असामाजिक लोग कामिनी शर्मा से रंजिश मानने लगे हैं, क्योंकि कामिनी शर्मा समाज में दबे कुचले हुए लोगों के प्रति हो रहे अन्याय अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ चैनल के माध्यम से आवाज उठाती रहती हैं। कामिनी बुधवार की शाम अपनी स्कूटी से घर जा रही थी, तभी पीछे से मारुति वैन ने ओवरटेक करके उनको टक्कर मारने की कोशिश की, जिससे कामिनी शर्मा बाल बाल बच गयी। कामिनी शर्मा का कहना है कि इससे पहले भी उन पर कई बार जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया है, जिससे कामिनी शर्मा कई बार बाल बाल बची हैं और भविष्य में भी कामिनी शर्मा को जान व माल का खतरा बना हुआ है। अगर इसी तरह पत्रकारों पर अत्याचार होते रहे तो कौन सच की आवाज उठाएगा? पत्रकार इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर चौथे स्तंभ को ही छीन कर दिया जाएगा तो सच्चाई का आईना कौन दिखाएगा? सरकार को चाहिए कि पत्रकारों के साथ हो रहे इस तरह के कार्यों में शीघ्र ही कार्यवाही करें, जिससे पत्रकारों को हानि पहुंचाने वाले लोगों को सबक मिल सके। शकील सैफी की रिपोर्ट। नाम है आपका, किस चैनल पर काम करते हैं और क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरा नाम कामिनी शर्मा है, मैं स्टार न्यूज प्लस से यूपी चीफ के पद पर काम करती हूं और काफी समय से मीडिया में जुड़ी हुई हूं। अभी मेरे साथ क्या घटना हुई है कि मेरे कुछ समय से मेरे एक तो घर के चारों तरफ अज्ञात लोग अक्सर चक्कर लगाते हैं, देखा गया है मैंने। और अभी कल शाम 6 बजे के करीब मैं दूध लेने आ रही थी, तब मुझे 2 बार गाड़ी से मारुति गाड़ी थी जिससे मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश हुई, परंतु मैं बाल बाल बच गई। मैंने नीचे पे को एकदम स्कूटी को उतर लिया, जिससे लेकिन तब भी जो वो गाड़ी थी बिल्कुल मुझसे छूकर निकली और मैं जिसकी वजह से मैं बहुत घबरा गई। कौन सा थाना? अनूप शहर। जिला कौन सा? जिला बुलंदशहर। तो आपने प्रार्थना पत्र दिया थाने में? जी हाँ, मैंने ये एप्लीकेशन है ये मैंने सर को दिया है और सर ने मुझे ये आश्वासन दिया है कि उस गाड़ी को ढूंढकर तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। बस मैं इन सब बातों से मुझे ये लग रहा है कि मेरी जान माल को बहुत ही खतरा बना हुआ है और अगर कल को मुझे कुछ भी हो जाता है तो मैं बस पुलिस से मैं यही चाहती हूँ कि इस केस को ना दबाया जाए बल्कि कार्यवाही की जाए।